हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और वो है कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर। तो आज की वीडियो में मैं इसी का रिव्यू और डेमो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट या इसके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है, जो कि ट्रेवलिंग के लिए भी सेफ है, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल है, बहुत ज़्यादा हैवी या बल्की नहीं है, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकती हैं। इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़, और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 110 ml, यानी कि प्रोडक्ट क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं और अपने नेल पॉलिश को रिमूव कर सकती हैं। इस नेल पॉलिश की सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? इस नेल पॉलिश की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एसीटोन फ्री है। एसीटोन फ्री होने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बहुत सारे नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किए हैं, किए होंगे। फिलहाल मैंने भी बहुत सारे नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किए हैं। तो जब उनसे आप अपने नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, तो वो आपके नेल पॉलिश का जो ये एरिया होता है, इसे हल्का सा वाइट कर देते हैं, मतलब कि स्टेन कर देते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और साथ साथ आपके नेल्स को एकदम ड्राई बना देते हैं। आपने भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा अगर आप कोई भी अदर नेल पॉलिश रिमूवर करती हैं। तो मैंने भी बहुत सारे ब्रांड के नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड का नाम लिया जाए। तो फिलहाल जब आप इस नेल पॉलिश रिमूवर को यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस नेल पॉलिश रिमूवर को मैंने 3-4 महीने पहले आई गेस बाय किया था, और मैंने इसे अमेजोन से बाय किया था। तो अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप बाय करते हो तो आपको एक के प्राइस में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब कि आपको दो क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी। तो मुझे ये 125 रुपीज़ में दो मिले थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसलिए, और इसकी एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको प्रोटीन एंड विटामिन B5 मिलता है, जो कि आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं नेल पॉलिश कंटिन्यू अप्लाई नहीं करती हूं। आपने भी देखा ही होगा कि मेरे नेल्स में बहुत रेयर ही ऐसा होता है जब मैं नेल पॉलिश अप्लाई किए रहती हूं, लेकिन मैं अपने पैर के नेल्स में नेल पॉलिश जरूर अप्लाई करके रखती हूं, क्योंकि उससे तो पैर थोड़े से अच्छे दिखते हैं। तो उन्हें रिमूव करने के लिए, क्योंकि मैं वीकली अपने नेल पॉलिश को रिमूव करती हूँ, उन्हें क्लीन करती हूँ, जिससे जो मेरे नेल्स हैं उन्हें कोई हार्म ना पहुँचे या वो अच्छे से ग्रो करते रहें और अच्छे से रहें। जब से मैंने इस नेल पॉलिश रिमूवर को यूज़ किया है, तब से ये मेरा फेवरेट नेल पॉलिश रिमूवर बन गया है, और उसके बाद से मैंने कोई और ब्रांड ट्राई ही नहीं किया है। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और एक बात की, अदर नेल पॉलिश जो होती हैं उनमें हल्का सा एक अजीब तरीके का मतलब स्मेल रहती है, अजीब तरीके की, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए भी मुझे ये नेल पॉलिश रिमूवर बहुत अच्छा लगा। और इस अगर आप इसे यूज़ करती हैं, तो इसके साथ आपको अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके नेल पॉलिश को बहुत ईजिली रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिंगर में नेल पॉलिश अप्लाई की है, ये है पर्पल की नेल पॉलिश, और यहाँ पे मैंने इसे दो कोट अप्लाई किया है, और ये एक मैट नेल पॉलिश है। तो इसे देखते हैं कि ये इसे कितने अच्छे से रिमूव कर दी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकती हैं कि मैं इस पर कितना प्रेशर लगा रही हूँ, बल्कि ना के बराबर मेरा प्रेशर है इस पर, लेकिन ये नेल पॉलिश को कितने अच्छे से रिमूव कर दे रही है। इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। देखिए, आप कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर बाय करने जाएंगी, उसके लिए आपको 55 या 80 रुपीज़ या इतने प्राइस तक आप नेल पॉलिश रिमूवर ज़रूर बाय करती हैं। तो ऐसा नेल पॉलिश रिमूवर बाय करिए जो आपके नेल्स को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाए। अब आप देख सकते हैं कि इसने नेल्स को कहीं से भी वाइट नहीं किया है, और मेरे नेल्स ड्राई भी फील नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि जब अदर ब्रांड का मैं कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करती थी तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के बाद मेरे नेल्स जो होते थे ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई फील करते थे, तो उसके लिए मुझे तुरंत बॉडी लोशन या हैंड क्रीम कुछ भी अप्लाई करनी पड़ती थी। बट इसके साथ मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, इसलिए भी मुझे ये नेल पॉलिश रिमूवर बहुत पसंद है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ऐसी पर्सन हैं, ऐसी गर्ल हैं, वुमेन हैं, जो भी हैं, अगर आपको कंटिन्यू नेल पॉलिश अप्लाई करना बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, फिलहाल मुझे भी पसंद है, लेकिन जब आप घर का काम करो तो नेल पॉलिश अगर हल्की सी चिप हो जाती है, हल्की सी किनारे से हल्की सी ख़राब होती है, तो मुझे नेल पॉलिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसे तुरंत रिमूव कर देती हूँ। तो अगर आपको नेल पॉलिश डेली अप्लाई करना, मतलब कि हमेशा अप्लाई करना पसंद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इस नेल पॉलिश रिमूवर को ट्राई ज़रूर करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।